पारिवारिक फिल्म है और कमर्शियल फिल्म है, और इसमें गाने भी अच्छे दिए गए हैं कि बहुत ही हिट करेंगे, और भोजपुरी में कुछ नया करने की उम्मीद से ही हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। हम लोगों की पहली फिल्म सबसे पहले चैनल में स्वागत है भैया। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में फिल्में आजकल शूट हो रही हैं, आप एक बड़ा मुहाम करके इतने क्राउड के लेके फिल्म शूट कर रहे हैं, कोरोना भी है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके अपने? फिल्म के लिए तो यही हम कहना चाहेंगे कि पहली बात तो कि भोजपुरी फिल्म से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको, और भोजपुरी के बारे में जो भी धारणाएं हैं लोगों की, जनता के बीच में, उससे हट करके हम लोग फिल्म करना चाह रहे थे और उससे हट करके ही फिल्म भी कर रहे हैं। इसीलिए फिल्म का शीर्षक भी जो आपने देखा है कि एक दीवाना बारह हसीना, और ये पारिवारिक फिल्म है और कमर्शियल फिल्म है, और इसमें गाने भी अच्छे दिए गए हैं। गाने हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही हिट करेंगे, और भोजपुरी में कुछ नया करने की उम्मीद से ही हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। हम लोगों की पहली फिल्म है। हेमराज जी ने हम लोगों को इसके बारे में बताया, और हेमराज जी के ही प्रोत्साहन से हम लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। बहुत बड़ी फिल्में हैं, 12 हीरोइन, एक हीरोइन लोग नहीं संभाल पाते, आप 12 हीरोइन लेके अगर लखनऊ में शूटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और किस तरह की शूटिंग हुई, 2-4 दिन शूट हुई आपकी, कैसा लग रहा है माहौल, कैसा क्या है भोजपुरी को लेकर? अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी यूनिट जो है एक परिवार की तरह काम कर रही है, और यूनिट में डायरेक्टर से लेकर के हीरो हीरोइन सारी 12 हीरोइनें हैं, और हमारे कॉमेडियन हैं, और यूनिट के एक एक यहाँ तक कि स्पॉट बॉय तक का भी मैं काम देख रहा हूँ। सब लोग एक परिवार की तरह बिल्कुल एक चैन में बंधे हुए इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारी पूरी फिल्म इस परिवार को लेकर के, और फिल्म इतने अच्छे से शूट हो रही है, कलाकार भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हेमराज जी का तो खैर कुछ कहना ही नहीं, उनकी अभी इससे पहले भोजपुरिया में दमदार फिल्म बहुत हिट रही है, और इसी को सब देखते हुए हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी पिक्चर जब कंप्लीट होगी, सिनेमा जब कंप्लीट होगा, पर्दे पर आएगा, तो लोग इसको अच्छे से सराहेंगे, देखेंगे, और अगर इससे हम लोगों को जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो भविष्य में और भी फिल्में करने का प्लान है हम लोगों का 2022 में। या आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, और को प्रोड्यूसर के साथ में फिल्म आप जुड़े हुए हैं, और अच्छा आपके नीचे ये कि फिल्म बहुत बड़ी फिल्में हैं, तो भैया के साथ किस तरह सपोर्ट रहा आपका, कुछ बताएंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं सुरेश कुमार राठौर, एज ए प्रोड्यूसर हम लोग इस फिल्म में जुड़े हुए हैं, और हमारा तो बिल्डर लाइन का काम था, लेकिन जब हेमराज जी से हम लोग की बात हुई तो उन्होंने जो कहानी बताई हम लोग को वो बड़ी यूनिक कहानी लगी, उस कहानी को लेकर हम लोग का इंटरेस्ट आज ज़्यादा जगा, और आज हम लोग उन लोग के साथ में, हेमराज जी के साथ में मिलकर और उनकी टीम के साथ मिलकर ये फिल्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे हेमराज जी के साथ मिलकर और भी फिल्में बनाएं इस तरह की। प्रेम सिंह जी भी हमारे पिक्चर में हैं, संजय पांडे जी भी हैं, लालधारी जी भी हैं, तो इन लोगों के साथ फिल्म करने का एक मकसद ये था कि एक पिक्चर ये हमारी यूनिक पिक्चर बने, साथ में हमारे साथ में 12 हीरोइन भी हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग को चलने का मकसद था कि अच्छा सिनेमा जो है दिया जाए ताकि लोगों को पसंद आए, और आगे चल के जो है ये हम लोग का कहीं नेम और फेम भी इसमें जुड़ा हुआ है, और ये मकसद लेके हम लोग आगे चले हैं, और इस तरह की फिल्में और भी बनाने का हम लोग का प्लान है, और आगे भी ऐसा करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।